साथियों अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की याद करिए सात आठ साल पहले यूरिया का क्या होता था क्या हाल था रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था क्या ये सच नहीं है कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आम तौर पर आती रहती थी यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी होती थी कि नहीं होती थी किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजता था क्या चाहे किसानों पर जुल्म नहीं था अत्याचार नहीं था आज मैं ये देखकर हैरान हूं कि जिन लोगों की वजह से यह परिस्थितियां पैदा हुई वो आज राजनीति के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं साथियों क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधान नहीं था अगर किसानों के दुख दर्द उनकी तकलीफों के प्रति जरा भी संवेदना होती तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं हमने ऐसा क्या किया कि सारी परेशानी खत्म हो गई है आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया हमने कालाबाजारी रोकी सख्त कदम उठाए भ्रष्टाचार पर नकेल कसी हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए इन लोगों के समय में सब्सिडी तो किसान के नाम पर चढ़ाई जाती थी लेकिन उनका लाभ कोई और लेता था हमने भ्रष्टाचार की जुगलबंदी को भी बंद कर दिया हमने यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग की देश के बड़े बड़े खाद कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिए गए थे उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं अगले कुछ साल में यूपी के गोरखपुर में बिहार के बरौनी में झारखंड के सिंदरी में उड़ीसी के तालचेर में तेलंगाना के रामागुंदम में आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे 50 50-60 हजार करोड़ रुपए सिर्फ इस काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं ये आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे दूसरे देशों से यूरिया मंगाते मंगवाने पर भारत के जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं उन्हें कम करेंगे साथियों इन खाद कारखानों को शुरू करने से इन लोगों को पहले कभी किसी ने नहीं रोका था किसी ने मना नहीं किया था किसी ने नहीं कहा था नई टेक्नोलॉजी मत लगाओ लेकिन यह नीयत नहीं थी नीति नहीं थी किसानों के प्रति निष्ठा भी नहीं थी किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो झूठे वादे करते रहो मलाई खाते रहो यही इन लोगों का काम रहा है साथियों अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में सौ के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते बांध बनना शुरू हुआ तो 2500 साल तक बनी रहा है बांध बन गया तो नहरें नहीं बनी नहरें बन गई तो नहरों को आपस में जोड़ा नहीं गया और इसमें भी समय और पैसे दोनों की जमकर के बर्बादी की गई अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड़ में पूरा करने में जुटी है ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुंचाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाए